इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर मोटर में पानी घुस गया तो हम लोग उसको जलने से कैसे बचा सकते हैं, और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अगर मोटर में पानी घुस गया है तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि मोटर में जो है पानी घुस चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर मोटर में पानी घुस जाए तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि इस मोटर में जो है पानी घुस चुका है। तो देखिए, मोटर में पानी घुस गया तो उसको पकड़ने का जो है कोई खास तरीका नहीं है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि मोटर में जो है पानी घुस चुका है। मोटर में जो है अगर थोड़ा थोड़ा बड़ी करेंट आने लगा तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि मोटर में जो है पानी घुस चुका है, और मोटर का जो है थोड़ा जो है आवाज़ हल्का चेंज हो जाता है पानी घुसने के बाद। तो इस तरह से जो है हम लोग पकड़ सकते हैं कि मोटर में जो है पानी घुस चुका है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर मोटर में पानी घुसने के बाद हम लोग मोटर को जलने से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, मोटर में अगर पानी घुस गया तो हम लोग को क्या करना है कि मोटर को खोलकर उसको धूप में जो है अच्छे तरह से 5-6 घंटा सुखा देना है, देख लेना है कि मोटर जो है अच्छी तरह से सूख चुका है या नहीं, इसमें पानी का अंश है या नहीं। अगर मोटर में पानी का अंश हो तो उसको फिर जो है अच्छा तरह से सुखाना है। सुखाने के बाद पेट्रोल या थिनर से उसको धो देना है। धोने के बाद फिर आधा से 1 घंटा धूप में रख के सुखा देना है। सुखाने के बाद उसमें बारनी चढ़ा देना है। बारनी चढ़ाने के बाद जो है उसको फिर 2 से 3 घंटा धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद मोटर को फिट कर देना है। उसके बाद मोटर को फिट करेंगे, उसके बाद जो है मोटर में लाइन देंगे, मोटर जो है उसके बाद अच्छी तरह से चलने लगेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि मोटर में पानी घुसने के बाद कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि मोटर में जो है पानी घुस चुका है और उसको हम लोग जलने से कैसे बचा सकते हैं। तो यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में।